दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन शासन के महाराजा श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की कृपा प्राप्त नगरी यशस्वी तपोधरा श्री झाबुआ नगर में गुरु समर्पण चातुर्मास 2021 की अनमोल उपलब्धि। श्री महावीर बाग प्रांगण में परम पूज्य परोपकार सम्राट आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की संपूर्ण भारत वर्ष में सर्वप्रथम गुरु मूर्ति प्रतिष्ठोत्सव की मंगलमय झलकियां। 20 से 22 नवंबर 2021 तक दिलीप गेट इंदौर अहमदाबाद रोड झाबुआ मध्य प्रदेश में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पावनकारी शुभ निश्रा प्राप्त हुई। परम पूज्य परोपकार सम्राट गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के सुशिष्य रत्न आज्ञानुवर्ती परम पूज्य मालव शिरोमणि मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब आदि साधु एवं साध्वी मंडल की। आयोजन के प्रथम दिवस यानी 20 नवंबर 2021 को मंदिर जी में पूजा पाठ आदि करते हुए इस महामंगल कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ हुआ। इस दिन इस मंगलमय आयोजन को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने वाले पूज्य साधु भगवंतों का कार्यक्रम स्थल पर मंगलमय पदार्पण हुआ। गुरुवर्यों के पावन सानिध्य में पूजा पाठ के अन्यान्य प्रक्रमों को पूर्ण किया गया। ओम नमो आयनियाणम अंगरक्षा दिशायनी ओम नमो वचायाणम आयु तमस्रयणम ओम नमो लोयसुसावणम मोचके पादयोसुवे ऐसे मुझ नमोकारो शीलावद्रमहितले सबभावपुणास्तव प्रवचनमयोभय मंगलानु सर्वेशिकादिकादिका स्वाहंतम चम्पते मनोहय मंगलम वक्रोपरिवद्रमय विधानम निरक्षणे महाप्रभावरक्षे क्षुद्रौ उपद्रव नाशिनी निवेद्यं समर्पयामि स्वाहा। पूजा समापन पर भगवान की मंगल आरती की गई। सव पावपनाशिनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतम प्रभु मंगलम् स्थूली भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम् अज्ञान तिमिरांधानं ज्ञानं जनुशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री राजेन्द्र सद्गुरुवे नमः। तत्पश्चात श्रेष्ठ मान्यवर द्वारा सभा को संबोधित किया गया और फिर सभी ने पूज्य गुरु भगवंतों की मंगलवाणी को श्रवण किया। प्रदान करने के लिए हमारे बीच हमारे अनुनय विनय से हमारी विनती से बहुत उग्र विहार करके कल सुबह से आज 45-50 किलोमीटर का विहार करके परम पूज्य हमारे वडील हमारे वरिष्ठ
पीयूष चंद्र जी महाराज साहब आदि थाना एवं पूज्य साध्वी भगवंत जी आज हमारे इस महावीर बाग प्रांगण में इस गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा में अपनी निश्रा प्रदान करने के लिए पधारे। परम पूज्य मुनिराज जनक चंद्र विजय जी महाराज साहब से विनम्र आग्रह है, विनंती है कि आज के इस शुभ मुहूर्त पर जो अभी छत्रपाल की पूजा संपन्न हुई, उसके बाद पाटला पूजन के अंतर्गत नवग्रह, दस दिक्पाल और अश्वमंगल की पूजा हमारे वरिष्ठ विधि कारक हेमेंद्र भाई मुथा ने संपन्न करवाई और अब बारी है प्रवचन सुनने की। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ विनम्र भाव से परम पूज्य मुनिराज हमारे युवा मुनिराज युवा प्रवचनकार जनक चंद्र जी महाराज साहब से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने मुखार बिंद से धर्म प्रभा को संबोधित करें। ऐसे देखने जाए तो अभी का जो अवसर है वह अवसर है गुरु प्रतिष्ठा का। गुरु शब्द जीवन में बहुत ही महत्व का है। गुरु शब्द जीवन में बहुत ही महत्व का है। कहते हैं मुक्ति, कहते हैं मुक्ति यानी तभी मिलती है कि जब हमारी भक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त करती है, जब हमारी भक्ति पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। चाहे वह देव की भक्ति हो, परमात्मा की भक्ति हो, या चाहे वह गुरु की भक्ति हो। तो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को पहचान दिलाने वाले कि ये परमात्मा है, सर्वगुण संपन्न है, अनंत गुणों के धनी है। तो ऐसे परमात्मा की जो पहचान कराते हुए है गुरु तत्व। आयोजन के द्वितीय दिवस यानी 21 नवंबर 2021 को इस महामंगल आयोजन के निमित्त भव्य वर घोड़ा निकाला गया। इसके लिए सर्वप्रथम मंदिर जी में मंगलमय पूजा आदि की गई। देव ने दुख बहु जानो ए ते नवी उचरे ते नवी निपजे ते नवी निपजे देव जिन देव ने भगवान के जन्म की ये पूरी वृतांत है। जन्म की घड़ी का ये समय है। भगवान की जो रमती गमती हमुने सहेली ब्यू मिली लीजिए ने इकताली सकी आज अनुपम दिवाली। भगवान का जब जन्म होता है, जब जन्म की पूरी बधाई कैसे होती है, जन्म के समय क्या क्या होता है, उस पूजा की ढाल के अंदर बताया। अब इस पूजा की ढाल के अंदर भगवान का अभिषेक देवता लोग करते हैं, वो इसलिए ये जल पूजा यहाँ पर दी गई है। प्रभु पासवन मुखडो जो भवना पातिक खोमा ए चाले सुर निज निज टोले मुख मंगलिक माला बोले सिंहासन बैठा चलिया हरि बहु देवे पर भरिया। अब देखो नारी पेरिया नारी मित्र नी पेरिया आवे कई पोता ने भावे कई पोता ने भावे हुकुमे कई भक्ति करे वा कई कोतुक जोवा भुलेवा मडप मा जग अजवाला केसरी आरती त्रिभुवन देवा सुरहर इंद्र करे तोर सेवा चौथी आरती चौगति चोर मन वांछित फल से। तत्पश्चात भक्त चल पड़ते हैं भव्य वर घोड़ा यात्रा लेकर। ढोल नगाड़ों के साथ नाद और मंगल जयकारों के बीच ये भव्य वर घोड़ा यात्रा शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए जा रही थी। We need it.
गुरु भक्तों की भीड़ और साथ में उनके भक्तों का संघ, क्या भव्य नजारा था ये। मानो आत्म साधना के उज्जवल सरोवर में पूज्य गुरुदेव रूपी हंस अपने भक्तों और भक्त रूपी कमल दलों के बीच तैर रहे हो। शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। जहाँ जहाँ भी गुरुदेव के चरण पड़ते, गुरु भक्त उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते। कोई नाच रहा था तो कोई ढोल पर थाप दिए जा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये।
जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलके बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हों और उन्हें उनके श्री चरणों की धूली को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कैसी महिमा है साधुओं की कि उनका स्पर्श पाकर धूल भी परम पूजनीय हो जाती है। कार्यक्रम स्थल पर आकर ये भव्य वर घोड़ा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। प्रभु जी एवं गुरुदेव की प्रतिमाओं को मंदिर जी में मंगल प्रवेश कराकर स्थापना की तैयारियां की जाती हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ता है और पूज्य गुरु भगवंतों की पावन मूर्तियों की स्थापना की प्रारंभिक क्रियाएं की जाती हैं। मंगल दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का मंगलमय शुभारंभ किया जाता है। कार्यक्रम श्रृंखला आगे बढ़े, सम्मान समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का बहुमान किया जाता है। कार्यक्रम के क्रम में आगे पूज्य गुरु भगवंतों के मंगल प्रवचन होते हैं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है,
विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा गुरुवर कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। सुहाना दिन आज उपस्थित हुआ है झाबुआ नगर के इस धर्म धरा तपोधरा शासन प्रभावना की धरा पर महावीर बाग के प्रांगण में जहां पर चार चार महावीर प्रभु चौमुखी शमोसरण में विराजमान है और ऐसे दिव्य मंदिर के प्रांगण में महावीर बाग स्मारक के इस परिसर में आज ऋषभदेव बावन जिनालय से भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का वरघोड़ा चतुर्विध संघ की निसरा और ऐतिहासिक लम्हा पूरे हिंदुस्तान भर के गुरु भक्त आज जुड़े हैं। विशिष्ट लाभार्थी परिवार जुड़े हैं, गुरु भक्त जुड़े हैं। सबके दिल में सबके मन में एक ही उमंग है, हमें हमारे गुरु को विराजमान करना है। हमें हमारे श्रद्धा के केंद्र को, हमारे आराध्य को, रात स्मरणीय को, जिनका नाम जपकर, जिनके द्वारा, जिनसे साक्षात मिलकर के हमने बहुत सारा आशीर्वाद लिया है, ऐसे गुरु भगवंत की प्रतिष्ठा का यह मौका आया है। पुण्यशैलियों, चार चार शासन प्रभावना के पुष्प, चार चार त्रिस्तुतिक संघ के पुष्प, और सबको पता ही है परम पूज्य कवि रत्न शांत स्वभावी, साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले और बहुत सारी साधना आराधना में जुटे हुए ऐसे हमारे आचार्य भगवंत श्री विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब, जिन्होंने मोहनखेड़ा तीर्थ का विकास करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे गुरुदेव विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब को कल शुभ मुहूर्त में परम पूज्य मंडलराज श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराजा साहेब आदि मुनि मंडल साथियों मंडल के वरद निश्रा में हस्तों से वह विद्याचंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब के साथ में ही हमारे सरल स्वभावी तपस्वी रत्न राष्ट्र संत शिरोमणि पद अलंकार से युक्त ऐसे आचार्य भगवान श्री हेमेंद्र सूर्य जी महाराजा साहेब जो बागरा के लाल है, मरुधर की माटी के वह रत्न है और जो नित्य हमेशा रात को 1 बजे उठकर के जाप आराधना में जुड़ने वाले ऐसे आचार्य भगवंत 92 वर्ष तक शासन को बहुत कुछ दिया है ऐसे हेमेंद्र सूर्य जी महाराजा की मूर्ति साथ में ही अरहत ध्यान योगी सरल स्वभावी बहुत सारी अंतर आराधनाओं से जुड़े हुए साधना और उपासना के विशिष्ट योगी ऐसे रविंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब जिनको तो यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों ने साक्षात अनुभूति की होगी। ये जो चार चार प्रतिमा के जो लाभार्थी परिवार है ना, वे चारों अपने अपने गुरु के प्रतिमा का लाभ प्राप्त करने के सौभाग्य को प्राप्त हुए हैं। वे सब अपने उन गुरु भगवान से इतने जुड़े हुए थे, इतने कनेक्ट थे, इतना उनका आत्मीय रिश्ता था कि आज भी वे जब वरघोड़े में थे और रथ में प्रतिमाएं थी तो अपने गुरु को जिन्होंने साक्षात चरणों में बैठकर के वार्तालाप करते थे, सत्संग करते थे, बहुत सारी चर्चा करते थे और आज उनकी प्रतिमाओं का जब वे लेकर के उस वरघोड़े में उस रथ में चल रहे थे तब उनकी आंखों में जर्जरी भी थी कि हमारे गुरु इतनी जल्दी विदा हो जाएंगे। ऐसे रविंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब और चौथे हमारे गुरु भगवंत है। हम जितने भी यहाँ मुनिमंडल बैठे हुए हैं हम सबको दीक्षा देने वाले, हम सबके महान उपकारी, अनंत उपकारी, दीक्षा दाता, स्वयं दाता और जिनके उपकार से ही हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ऐसे शासन प्रभावक नित्य सूर्य मंत्र आराधक मोहनखेड़ा तीर्थ विकास के अग्रदूत ऐसे परोपकार सम्राट आचार्य भगवंत श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब जिन्होंने भी मोहनखेड़ा की बागडोर को, गच्छ की बागडोर को, मोहनखेड़ा की बागडोर का तो सौभाग्य उनको लगभग लगभग 35-40 सालों तक मिला लेकिन शासन की बागडोर का सौभाग्य बहुत कम मिल पाया। आचार्य पद को संभालने के बाद में 4 वर्ष गुरुदेव श्री ने इस जिम्मेदारी को निभाया तो ऐसे
शासन प्रभाव गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरसुर जी महाराजा साहब, ऐसे हमारे चारों महान परम उपकारी गुरु, हमारे पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब 30 वर्ष का सानिध्य, गुरु का कितना सानिध्य इनको मिला, 30 साल का, 25-26 साल का हमको भी, और हमारे जो तीन तीन नए गुरु भ्राता इनको भी 4-4 साल का सानिध्य मिला है। ऐसे पांचों गुरु भगवंत भी रहेंगे, चतुर्विध संघ भी रहेगा, हमारे सातवीं जी भगवान जो बहुत उग्र विहार करके आए हैं, शासन ज्योति महेंद्र श्री जी महाराजा साहेब की ये सुशिष्य आए हैं। आचार्य पदवी की उद्घोषणा से लेकर के अंतिम समय तक जितने भी चातुर्मास हुए उनके सभी का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला, चाहे मैं कर्नाटक में रहा, आंध्र प्रदेश में रहा, उड़ीसा में रहा, पश्चिम बंगाल में रहा, झारखंड में रहा, बिहार में रहा, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी दूर उनके साथ में मैं आचार्य पदवी की जिस दिन उद्घोषणा हुई थी पालीतना शताब्दी भवन अंजन शिला का प्रतिष्ठा, उस दिन से लेकर अंतिम समय तक उनका सानिध्य का अंतिम चातुर्मास गिरनार जहाँ जंगलों में, वहाँ का भी मैं साक्षी रहा, उनके समस्त चातुर्मास में साक्षी रह करके उनके साथ हम दोनों ने किए। ऐसे गुरुदेव रविंद्र सुरेश्वर जी महाराजा का एक पावन पवित्र मंत्र था, आराध्य मंत्र, हम उसका 7 बार स्मरण करेंगे और हमारी इस शरीर की बैटरी को थोड़ा चार्जिंग करेंगे, मोबाइल की बैटरी का नहीं कह रहा हूँ, वो तो आप जुगाड़ कहीं भी जमा लोगे, मगर ये मंत्र से चार्जिंग होगी हमारी शरीर की आत्मा की बैटरी। तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाए सुखासन में, आँखें बंद हों और अरिहंत प्रभु का हम 7 बार ध्यान करते हुए गुरुदेव का वो पावन मंत्र जो हमें सबको दिया और वे अपने प्रवचन के पूर्व बोलते थे, उस मंत्र को मैं बोलूँगा, एक बार मैं बोलूँगा, उसी मंत्र को आपको पीछे से रिपीट करना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम परम गुरु देवाय नमः, ओम परम गुरु देवाय नमः, ओम परम गुरु देवाय नमः। भगवान ऋषभदेव स्वामी के चरणों में नमन वंदन। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ परमात्मा, 24वें शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी, विश्व वंदनीय दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, ऐसे गुरुदेव ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में नमन। हालांकि प्रवचन का समय नहीं है, प्रवचन तो 4-4 माह तक हमारे मुनिश्री ने आपको प्रदान किए और प्रवचन तो बहुत बार सुने, मगर हकीकत में जिस बात का मुझे उल्लेख और जिक्र और अनुमोदना करना है वह इन दोनों मुनिवरों की करना है, क्योंकि गुरु समर्पण चातुर्मास गुरुदेव के देवलोक गमन के बाद असमय अचानक गुरुदेव का इस प्रकार से हमें सबको छोड़कर चले जाना एक बहुत बड़ी जवाबदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई, और बहुत बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी को निभाना, उसको हमें सावधानी सतर्कता से आगे बढ़ना बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा और संघर्ष का समय है हमारे। सबके लगभग चातुर्मास तय हो चुके थे, सभी के चातुर्मास तय हो गए थे, गुरुदेव ने अपनी स्वयं की हाजिरी में सबको आशीर्वाद देकर अपने अपने चातुर्मासों की उद्घोषणा कर दी थी। हमारा चातुर्मास भी बॉम्बे तय हो गया था, भारत नगर ग्रांति रोड, जितने भी मुनिवर थे हमारे, मगर अचानक 16-15 तारीख को, 15 मई को गुरुदेव ने मंगलिक सुनाई, स्वयं के मुखारविंद से पचकान दिया, और मैं ढानू में जब वर्षित तप का 3रा पारणा वहां कर रहा था, वीडियो कॉलिंग पर सभी गुरु भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दी, मंगलिक दी। दिन तेरी मैं भक्ति करूं,
गवार प्रभु गवार। गुरु हमें हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या को कैसे सॉल्व करना, उसका निराकरण कैसे करना, वो गुरु हमें मार्गदर्शन देता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी भक्तों का काम हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस भक्त के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा हो, समर्पण भाव हो, उसका कार्य हो ही जाता है, उसका काम कभी रुकता नहीं है। क्योंकि परमात्मा को हमने कभी नहीं देखा, परमात्मा को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन गुरु के रूप में जो व्यक्ति भगवान को देखता है उसी व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद मिलता है। कार्यक्रम श्रृंखला को पुनः शुरू करते हुए पूज्य गुरु प्रतिमाओं की पूजन संबंधी पावन क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। पवित्रम परमम ध्येयम परमानंद दायकम भुक्ति मुक्ति पदम नित्यम प्रत्य मंगल प्रदम श्रीमत् परम कल्याण सिद्धि दशरेस्तुभ पार्श्वनाथ जिन श्रीमान भगवान परम शिव सद षोडश दलारूढ़ विद्यादेवी भिन्वितम चतुर्विंशतिपत्तस्थम जिन्मात्र समावृतम अंगूठे अमृत वश लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरी मनवांचित फलदातार गौतम नाम प्रभात जप नित रिद्धि समृद्धि बड़े बोतेरी ख्याल कुशाल रहे नित्वासरे आस फल दिल की संगलेरी ओम राम रीम रूम रेम रूम रहा परम गुरुभ्यो श्री विद्याचंद्र श्री गुरुदेवाय श्री हेमेंद्र श्री गुरुदेवाय श्री रविंद्र श्री गुरुदेवाय श्री ऋषभ चंद्र श्री गुरुदेवाय पूज्य पादेभ्यो गंध पुष्पादि सम्मिश्र स्वर्ण चूर्ण संयुतेन जलेन स्नपयामि देहि स्वाहा। ओम राम रीम रूम रीम रोम रह परमार्थ परमेश्वराय पुष्पांजलि विरचयामि स्वाहा। परमारते परमेश्वराय पुष्पांजलि अर्चयामि स्वाहा।
कविदं भवति न गंगांग स्नानी स्नानिकया स्नपिते बिंबे विभागी लोकानां हाथों में लेकर सोने का कलसा हाथों में लेकर सोने का कलसा सोने का कलसा सोने का कलसा सोने का कलसा सोने। पूजन को संपन्न करते हुए मंगल आरती की जाती है। इसी के साथ पूजन का विसर्जन किया जाता है। छायाणम नमो नमः सब सावण में सो वचन नमस्कार सब पावणासनो मंगलाणम च सर्वे सिंबण मोहि मंगलम वसकरम आसम आसम नामे कमगण मुखम विसर्जन नास मंगलाणा आवासम विसर अपनी मंदम कंठे धारि जो से आपण तस गहर मारी उठ जरे दिव सामम चिठो उदरे मत तो ज प्रणाम विभव बोलो होय नर दिनेश जी आप आमद में तो वचन दो समतर दे। इस दिन के कार्यक्रम में सायंकाल की मनोरम बेला में भक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आयोजन के तीसरे दिन यानी 22 नवंबर 2021 को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा की तैयारी की जाती है। कार्यक्रम श्रृंखला को पुनः शुरू करते हुए गुरु मूर्ति स्थापना के महामंगल कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है।
करा भवन्तु पुष्टि करा भवन्तु पुष्टि करा भवन्तु रिद्धिं करा भवन्तु रिद्धिं करा भवन्तु रिद्धिं करा भवन्तु शति भुजा दंडाय बब्बर केसा जटा जुट मंडिताय वासुकी कृतो जिनो पविताय तक्षक कृते मेघलाय शेष कृत हराय नाना युदस्ताय सिंह चामर वर्णाय प्रेतासनाय कुकुर महानाय त्रिलोचनाय आनंद भैरवाष्ट भैरव प्रवृत्ताय चतुष्षष्टिनी योगिनी गताय श्री क्षेत्रपालाय श्री महावीर बाग परिसरे श्री गुरु मंदिर गुरु मूर्ति प्रतिपान विष्टा विधि महोत्सव अत्र आगच्छ आगच्छ स्वा अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्वा पूजाम बलिम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। मूर्ति स्थापना के ऐसे महामंगल आयोजन के साक्षी बनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। ओम रिम ईशानाय नमः स्वाहा ओम रिम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम रिम अनंताय नागाय नमः स्वाहा। ज्ञान ध्यान तपोदान त्रिविधार्थ प्रदायकम् श्रुतज्ञं विद्या चंद्रश्री भक्त्या च परिपूज्ये ओम श्री हेमेन्द्र श्री स्वर्ण रजत आभरणं समर्पयामि स्वाहा। प्रथम चतुर्मास ऐसे आराध्य गुरुवर जिनकी पूरे भारत भर में विधि विधान और चतुर्विध संघ के साक्षी में यह पहला प्रतिष्ठा उत्सव जापा नगरी में होने जा रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्मा दिव्य पुरुष हमारे आराध्य गुरुदेव मोहन खेड़ा महातीर्थ विकास प्रेरक अच्छाधिपति गच्छ नायक ज्योतिष सम्राट गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र श्रीश्वर जी महाराज का भंडार भरना है। ओम नवरिंदर नवरस्ता चरपद्य सुसा दिव्य ओम रिम श्री जीरावला पासुना रक्षाम गुरु गुरु स्वाहा। ओम रिम श्री ऋषभ चंद्र श्रीश्वर स्वर्ण रजत आभरणम समर्पयामि स्वाहा। पूज्य गुरुदेव के निर्देशन एवं सानिध्य में विधिवत पावन गुरु प्रतिमाओं को यथास्थान विराजमान किया गया। मंगल जयकारों के पावन नाद से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो रहा था। प्रियंताम 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 और सांस्कृतिक भवंतो ओम पुण्यहाम पुण्यहाम ओम पुण्यहाम पुण्यहाम ओम पुण्यहाम पुण्यहाम ओम पुण्यहाम पुण्यहाम ओम रेम श्रेम ओम रेम श्रेम जिरावला पार्श्वनाथाय जिरावला पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कुर्म निज पृष्ठे गुरु बिंबम धारय धारय स्वाहा। ओम कुर्म निज पृष्ठे गुरु बिंबम धारय धारय स्वाहा। ऐसी पावन गुरु प्रतिमाओं के दर्शन कर जनमानस धन्य हो गया। ऐसे महापावन अवसर पर उपस्थित भक्तगण अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। निश्चित ही कोटि पुण्य के भागी रहे वे भक्त जो ऐसे मंगलमय महोत्सव के साक्षी बने। ओ झीनो 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 उड़े रे गुलाब प्रभु जी थारा मंदिर में झीनो झीनो उड़े रे गुलाब प्रभु जी थारा मंदिर में करिया रे ओ केसरिया आज हमारो रंग केसरिया केसरिया केसरिया
पूजा कीजे अनुभव पामिने लाहो लीज दूसरी आरती दीन दयाला तुलेवा मंडप मा जग अजवाला तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेव चौथी आरती चौगति चूरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे पंचमी आरती पुण्य उपाया मूल चंद्र प्रभु ऋषभ गुण गाया। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है और पूज्य गुरु भगवंत सभा को अपनी मंगलवाणी से संबोधित करते हैं। श्रमण भगवान परमात्मा महावीर जिन्होंने आत्म कल्याण करने के लिए तीन रास्ते बताए हैं, वे तीन रास्ते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीन रत्नों की आराधना अगर जीवन में आ गई तो समझो जीवन हमारा सफल। जब जब भी देव गुरु का मंदिर में गादी ना शीन होना होता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में दर्शन ज्ञान और चरित्र की शुद्धि के लिए। जब जब भी भगवान का दर्शन करने आप मंदिर में जाते हैं, गुरु का दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं, तब तब आपके सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की आराधना निर्मल बनती है। सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र अगर निर्मल बन गया तो सम्यक ज्ञान तो स्वतः प्राप्त होगा ही, क्योंकि गंगोत्री हमारी वह परमात्मा है, गंगोत्री हमारी वह गुरु तत्व है। तो ये तत्व ऐसे है कि जहां से प्रवाहित हो गंगा की धारा ज्ञान की धारा में बदल जाती है। जाबा नगर के इस पावन पुण्य धरा पर महावीर बाग के अंदर आज भव्याति भव्य परम आराध्य गुरुदेव मौनखेड़ा तीर्थोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुदेव विद्याचंद्र श्रीश्वर जी महाराजा तपस्वी रत्न हेमेंद्र श्रीश्वर जी महाराजा अरत ध्यान योगी आराध्य गुरुदेव रविंद्र श्रीश्वर जी महाराजा और परम श्रद्धेय दीक्षादाता आराध्य गुरुदेव परोपकार सम्राट गुरुदेव ऋषभ चंद्र श्रीश्वर जी महाराजा आदि सभी गुरु बिंबों को स्थापित करने का प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम प्रतिष्ठा पूरे भारत भर में आज पहली प्रतिष्ठा है। सविधि सा आनंद निर्विघ्न संपन्न हो और यह सब अथक प्रयास प्रेरणा और मार्गदर्शन जिनका रहा है कहने की जरूरत नहीं है। सकल स्त्री संघ को पता है कि यह सब आयोजन के पीछे अगर मूल भूमिका रही है और मूल आधार शिला जिन्होंने रखी है ऐसे हमारे दोनों प्रिय गुरु भ्राता मुनिराज श्री रजत चंद्र जी महाराजा और हमारे गुरु भ्राता प्रिय जीत चंद्र विजय जी महाराजा दोनों के ही अथक प्रयास प्रेरणा मार्गदर्शन से यह भव्य चातुर्मास तो संपन्न हुआ है गुरु समर्पित चातुर्मास, मगर यह आयोजन भी इन दोनों की अथक मेहनत का परिश्रम का फल है। ऐसे महामंगल अवसर पर गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरु भगवंतों एवं साध्वियों के मंगल पूजन एवं गुरु आशीर्वाद के साथ ये महामंगल कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। अरे कामली हो रावो आजे, अरे कामली हो रावो आजे। राकेश भाई, सुभाष भाई, मुकेश भाई, झापा श्री संघ, राकेश भाई सुनिए, ये सारे लोग जो आज कामली बना रहे ना, ये प्रण करना, ये कामली
ये कामली कामली ओड़ा वो आज गुलवरनी हो रो कार्यक्रम समापन पर कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों का बहुमान किया जाता है। महामंगल कार्यक्रम यहां संपन्न हो जाता है। अगले दिन मंदिर जी में सभी भक्तगण नव प्रतिष्ठित गुरु प्रतिमाओं के दर्शन कर एवं आशीर्वाद प्राप्त कर महा आनंद को प्राप्त होते हैं। दर्शन तो दिखलाओ कहीं पे कोई रोता है आंख के आंसू से चरण को धोता है अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे ना जोर दिल पे चले आओ गुरुवर आओ दर्शन तो दिखलाओ तुम्हें गुरु शांति देव सदा तेषां येषां शांतिर् गृहे गृहं स्वाहा। तो दर्शकों आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।